नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसाइट्स। सबसे पहले हम आपको कुछ भी बताएं उससे पहले ये एक वीडियो देखिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक शख्स को कुछ महिलाएं जो है दौड़ा दौड़ा कर पीट रही हैं। दरअसल ये जो शख्स है वो हेडमास्टर है और जो महिलाएं हैं वो उसी गांव की रहने वाली हैं। और महिला का क्या कहना है कि जो हेडमास्टर है उनके द्वारा छात्रवृत्ति देने के लिए उनसे पैसे मांगे जाते हैं। पैसे नहीं देने पर छात्रवृत्ति जो है बच्चों को वो नहीं दिया जाता। और इसी गुस्से में जो है महिलाएं हैं हेडमास्टर साहब को दौड़ा रही हैं। सबसे पहले आप एक बार ये वीडियो को फिर से देख लीजिए। गलती फोटो लिया तो वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं दौड़ा रही हैं। आप सबसे पहले जो महिलाएं जो दौड़ा रही थी हेडमास्टर साहब को उनका सुन लीजिए कि वो क्या कुछ कह रही हैं। देवी की मामला यहाँ स्कूल पे एलियन की मामला छे मामला छे जे बच्चा के कछे पैसा देब से यहाँ 1500 रुपया दियो के मांगे ये ना जी सर। अच्छा की कहिए जे हमरा 1500 रुपया दियो 8वां वर्ग के 1000 छठा के 7वां के 500 रुपया 1500 रुपया लेने का कागज छोड़ दल के। अच्छा की आ बच्चा की नाम ये जे बच्चा पढ़े है मधु कुमारी कौन क्लास में ये 8वां में ये सुमन मुखिया। अच्छा लड़का है लड़का सुमन मुखिया। तो आपने महिलाओं को सुना जिन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति देने के नाम पर 1500 रुपए जो है हेडमास्टर के द्वारा मांगा जाता है और उन्हें हेडमास्टर के द्वारा ये भी कहा जाता है कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। जिसके बाद जो है महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा और हेडमास्टर साहब को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगी। ऐसे में जब वहाँ के मुखिया पति ने हेडमास्टर साहब से बात करने की कोशिश की तो उसके बाद क्या हुआ वो भी आप सुन लीजिए। लेडीज तो हमारा घर पर गेले हन सारा लेडीज कल जो हमारा हेडमास्टर जो है 1500 रुपया मांगे छे। हम कथी के मांगे छे तो छात्रवृत्ति वाला पैसा जो देते वही चीज़ के पैसा मांगे छे 1500। हम लिए मास्टर क्या लेते पैसा तो नहीं बिना अथी के नहीं दे छे कागज लैके फेंक दे छे। महिला सब के लिए हम कहे जा स्कूल पर एक बार फिर तू स्कूल पर जाकर देखो अगर नहीं देते तो फिर हमरा कहियो। अभी 20-25 महिला अल और स्टेटमेंट अहाँ सुनबे के लिए अहाँ स्टेटमेंट लेबे के लिए हम हम अलिए हम तो हमारा कहे छथिन जो आप मुखिया को बुलाइए आप मुखिया पति हैं आप मुखिया को बुलाइए। ये हेडमास्टर को इतना औकात हो गया जो हम मुखिया को बुलाएंगे यहाँ। आपकी शिकायत किए कहीं इस मामले में हम यहाँ अभी 10 रोज पहले उप प्रमुख को बोले थे उप प्रमुख अपने लेटर पैड पे बीओ साहब को लिख के दिए थे उप प्रमुख हमको आश्वासन दिए कि ऐसे ऐसे बात है भैया 10 दिन के अंदर में इसका ट्रांसफर हो जाएगा। हम अपना चुप हो गए। आज डीओ से डीपीओ से बीओ से बीडीओ साहब से चारों से हम बात किए हैं कि सर ऐसा ऐसा मामला है महिला सब स्कूल पे जा रही है और हम भी जा रहे हैं स्कूल पे हो सकता है कि मास्टर बंधक भी बन सकता है और नतीजा आप देख लिए। तो आपने मुखिया पति को सुना जिन्होंने कहा है कि हेडमास्टर साहब से जब वो बात करने के लिए गए थे तो हेडमास्टर साहब सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे आप जाकर अपनी पत्नी को बुला कर लाइए। इसके बाद जो आपको बता दें कि महिलाएं जो है और हेडमास्टर के बीच तो मैं शुरू हो गया और जिसके बाद जो मामला है वो पूरा बढ़ गया और महिलाओं को गुस्सा आ गया जिसके बाद जो मास्टर साहब को दौड़ा दौड़ा कर पिटाई कर दी। जो पूरा मामला है वो दरभंगा जिले के बिरौली प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नवटोल का है जहाँ स्कूल
के योजनाओं के लाभ देने और एडमिशन करवाने को लेकर छात्रों से अवैध रुपए की उगाही के आरोप में हेडमास्टर साहब की जमकर पिटाई की गई है। तो आपको बता दें कि लगातार जो है हेडमास्टर साहब के द्वारा बच्चों से छात्रवृत्ति और एडमिशन के नाम पर पैसे मांगे जा रहे थे, जिसके बाद जो महिलाएं हैं वो ज्यादा आक्रोशित हो गई, जिसके बाद मास्टर साहब की जमकर पिटाई कर दी। तो फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।